हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो स्टूडेंट, आप लोग का बहुत सारे लोग का मेरे पास मैसेज आ रहा है, कमेंट आ रहा है कि सर TY BCom का रिजल्ट आए हुए ऑलमोस्ट 15 डे हो गया, लेकिन अभी तक रिवैल्यूएशन का लिंक नहीं आया। स्टूडेंट, आप लोग की बात सही है, रिवैल्यूएशन का लिंक नहीं आया। मैं डेली चेक करता हूँ, जैसे आएगा अपडेट कर दूंगा। मैं ऐसा हमेशा आप लोग को बोलता हूँ, लेकिन आज के दिन मेरे पास व्हाट्सएप पे एक लिंक आया है रिवैल्यूएशन का। तो व्हाट्सएप पे जो रिवॉल्यूशन का लिंक आया, मैं आपको बता देता हूँ क्या लिंक है और कैसे आपको मिलेगा, वो मैं आपको दे भी दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक स्टूडेंट ने सेंड किया, बोला सर रिवॉल्यूशन का लिंक आ गया है, लेकिन इस लिंक पर जाकर फॉर्म भरने से पहले स्टूडेंट मेरी पूरी वीडियो को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये लिंक मुझे इस लिंक पे डाउट आ रहा है। मैं कन्फर्म करके आपको फाइनल लिंक बताऊंगा, पहले इस लिंक को देख लेते हैं इसके अंदर है क्या। और स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले लिंक को जैसे मैंने क्लिक किया तो इनडायरेक्टली वो मुंबई यूनिवर्सिटी का साइट ही ओपन हो रहा है। बट मुझे क्यों डाउट आ रहा है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। और एक चीज बता दूं स्टूडेंट, जब तक मैं नहीं बोलूंगा कि आप फॉर्म रिवॉल्यूशन को भरना, तब तक कोई भी स्टूडेंट रिवॉल्यूशन का फॉर्म मत भरना, क्योंकि ये लिंक फ्रॉड हो सकती है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। राइट रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास 1 वीक का टाइम होता, ठीक है। आज या कल तक मैं आपको कन्फर्म कर दूंगा, ठीक है। आज या तो यदि कन्फर्म यही लिंक रहेगी तो मैं कल तक आपको कंफर्म बता दूंगा कि यही लिंक है, ठीक है। तो आप उसके बाद फॉर्म को फिलअप कर देना, तो आप लोग अपडेटेड रहना हमेशा, ठीक है। वीडियो को देखते रहना, मैं जरूर आपको बताऊंगा कि एक कंफर्म वही लिंक है या नहीं है। तभी हम लोग पहले देखते हैं यहाँ पर, जैसे इसको मैं ओपन करता हूँ तो मुंबई यूनिवर्सिटी का यहाँ पे डाउट नहीं, मुंबई यूनिवर्सिटी लिख कर आ रहा है पूरा। यहाँ पर आपको आ रहा है विंटर सेशन, ठीक है। प्रोग्राम कोड भी आ रहा है, स्टार्टिंग और एंड डेट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। दूसरा इवेंट में भी हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखो सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया, विंटर सेशन मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर बैचलर ऑफ कॉमर्स हमारा, ठीक है, बैचलर ऑफ कॉमर्स है, तो मैं बैचलर ऑफ कॉमर्स सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर एक मिनट, गलत सेलेक्ट हो गया क्या, चेक कर लेते हैं। हाँ, बैचलर ऑफ कॉमर्स सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको सीट नंबर यहाँ पे डालना, ठीक है। यहाँ पर यदि रिजर्व कैटेगरी है तो यस, अदरवाइज नो करेंगे हम लोग। सीट नंबर यहाँ पे डालना आपको, तो मैं यहाँ पर सीट नंबर एक जस्ट स्टूडेंट का मैंने सीट नंबर लिया, वो मैं यहाँ पर डाल के डायरेक्टली सर्च पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आगे का प्रोसेस बताता हूँ, क्योंकि सीट नंबर क्या होता है, सिक्योर्ड रहता है, मुझे किसी स्टूडेंट का सीट नंबर डिस्क्लोज नहीं करना है, इसलिए मैं एक सीट नंबर यहाँ पर डालकर चेक करता हूँ, आगे का मैं प्रोसेस पूरा बताता हूँ। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सीट नंबर डालकर, जैसे मैंने इसको क्लिक किया ये सामने ओपन भी हो गया और ये भी प्रॉपर यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पूरा डिटेल भी आ गया है, तो मैं यहाँ पर डिटेल को थोड़ा यहाँ पे इसको छुपा के नीचे आ जाता हूँ डायरेक्टली। तो यहाँ पर देख सकते हो जो पूरे सब्जेक्ट है, ठीक है, पूरा डिटेल यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है। इसके बाद मुझे डाउट इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे फोटोकॉपी अप्लीकेशन फीस 10 रुपये बता रहे हैं, रिवैल्यूशन अप्लीकेशन फीस कितना 10 रुपये बताया जा रहा है, जो कि मुझे कंफर्म पता है कि इसका फीस रहता है 250 से लेके 260 होता है रिवैल्यूशन का फीस। इतना कम फीस तो नहीं होता स्टूडेंट, फिर भी मैं आपको जरूर कल तक कंफर्म करके बताऊंगा, वेट करना। यहाँ पर आपके सब्जेक्ट आ जा रहे हैं, ठीक है। यदि आपको कॉपी आंसर चाहिए तो इस पर क्लिक करना है या इस पर क्लिक करना है और मेक पेमेंट आपको कर देना, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके। तो ये पूरा प्रोसेस इसका फिलअप करने का, तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे आपके सब्जेक्ट दिखेंगे, बट ये कंफर्म लिंक नहीं है, मुझे इसके ऊपर पूरा डाउट है। मैं हम लोग इसके होम पेज पर भी चल के चेक कर लेते हैं। यदि स्टूडेंट ये लिंक चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लिंक को मैं डाल देता हूँ, जहाँ से आप लोग क्या करना है इस पर चेक कर सकते हो जाकर। बट कोई भी स्टूडेंट फॉर्म को फिलअप मत करना, और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी है स्टूडेंट, उसके अंदर आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। दूसरी चीज स्टूडेंट यहाँ पर, कि यदि मैं इसके होम पेज पे जाता हूँ तो यहाँ पर होम पेज आ गया। यहाँ पर सेम वैसे जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी का रहता, पूरा सेम टू सेम ऐसी डिटेल दिया हुआ, कोई चेंजेस नहीं है। जो मैंने प्रोसेस बताया था वो प्रोसेस भी पूरा दिख रहा है। प्रोसीड फॉर अप्लीकेशन पे यदि हम लोग क्लिक करते हैं तो वापस से सेम वही पेज जो मैंने आपको दिखाया था, तो पेज ओपन हो जाता है और यहाँ से फॉर्म भरने का ऑप्शन आता है। बट ये लीगल है नहीं है, प्रॉपर है नहीं है, इसको चेक करने के लिए मैं एक बार मुंबई यूनिवर्सिटी के साइट पर जाकर हम लोग वापस से चेक करते हैं। स्टूडेंट, जब तक मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी ये वीडियो देखकर इसको फॉर्म को फिलअप मत करना,
जब तक मैं आपको कंफर्म ना करूं, कल तक मैं एक वीडियो बना के कंफर्म कर दूंगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखना है स्टूडेंट, आपको अपडेट मिलेगा। चलो मैं यहाँ पर एक बार मुंबई यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल जो इसके साइट है उसके ऊपर मैं जाता हूँ, मुंबई यूनिवर्सिटी के साइट पे जाता हूँ। यहाँ पर मैंने ओपन किया, जैसा मैंने आपको बताया था एग्जामिनेशन सेक्शन में जाना रहता है, मैं एग्जामिनेशन सेक्शन में जाके चेक करता हूँ। यहाँ पर एग्जामिनेशन सेक्शन में मैं गया और यहाँ पर रिवैल्यूशन वाले पेज पे मैं जा रहा हूँ, एप्लीकेशन फॉर रिवैल्यूशन एंड फोटोकॉपी। ये पूरा सेम टू सेम लाइन उधर पे भी लिखा, प्रोसीड फॉर एप्लीकेशन पे क्लिक किया, बट यहाँ पर TY BCom का लिंक मुझे कहीं पर भी शो नहीं हो रहा है। मेरा मानना है कि यदि लिंक आएगा तो ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसकी साइट पर यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। फिर भी यदि यही लिंक है तो कल तक आपको जरूर यहाँ पे दिखेगा, अदरवाइज मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। उसके बाद ही स्टूडेंट आप लोग फॉर्म फिलअप करना। थैंक यू सो मच।